हेलो भाइयों, मैं अनुभवार। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाला हूँ वीयू टीवी के बारे में। भाई पता नहीं कौन सी कंपनी है वीयू, पर ठीक है। मैंने आज तक जितने यूज करे हैं वो रेडमी, Xiaomi, सैमसंग, LG ये यूज करे हैं, लेकिन अभी ये फर्स्ट टाइम है जब मैं एक वीयू के टीवी का आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो ये आकाश जी को गिफ्ट में मिली थी भाई, ये है तो 50,000 की है। 50,000 की MRP तो कितनी है? MRP 50,000 है। तो भाई अभी तक इसका रूम एकदम सुना सुना था, आप पीछे मुड़ के दिखाइए। यहाँ पे देखिए, इस दीवार में कुछ भी नहीं था। इधर घुमा दो बस, इतनी देर का होता है। जैसी पैर के। तो भाई अब ये है 43 इंच की आपकी LED स्क्रीन। अब देखते हैं इसमें कितने बेजल है, कितने क्या है। वीयू मैंने बहुत मंदे टाइम में सुना था, जब 17-18 का टाइम था ना, जब यूट्यूब नया नया आया था, तब वीयू भी बहुत फेमस हुआ था, क्योंकि जब स्मार्ट टीवी नहीं हुआ करते थे इतने ज्यादा। इसमें यूट्यूब चलता था, ये था, तो ये बड़ा ट्रेंड में रहता था, और फिर वैल्यू फॉर मनी वाला प्रोडक्ट भी था। उसके बाद तो भाई वीयू के बाद फिर बता, उसके बाद भाई फिर MI ऐसे आए हैं, वन प्लस, रियलमी, इन्होंने मार्केट को एक तरफा हिला दिया। तो भाई ये कैलिफोर्निया की है, देख रहे हो, और ये प्रीमियम है। तो भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले इसमें स्टैंड आता है इस तरीके से, इन स्टैंड्स को हम यहाँ पे हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे वॉल माउंट आई हुई है, आर यू श्योर? भाई ये तो अच्छी बात है वीयू की ना, हमको वॉल माउंट जो है लिख ना रही, बटन होते हैं इनसे, बटन कहते हैं। मेरी टीवी पे भी है, ठीक है। ये ये देखिए भाई, मैंने भाई तालिब को बुला लिया है, वो तालिब आ रहा है आधे घंटे में, वो लगा जाएगा इसको, फिर हम इसको जरा ऑन करके देखेंगे और क्या। हाँ यू ही है, हाँ सही है। वॉल पे लगवाना है वैसे, स्टैंड के लिए रखना है। कहाँ? अच्छा कहाँ पे रखेगा? स्टैंड पे, धरती में। तुम तो धरती में बैठ कर देखा करियो प्रिया। हाँ जैसी यू ना बनवा लेंगे दीवार पे, क्या ड्रॉर सी तेन कहाँ से बनवाई है? मेरे तो खाती किन बनाई कस्टम, इतने रुपया में ये तो याद ना यार, गेट वेटिंग के साथ ही बनी। 200 रुपया बनाई है। हाँ तो भाई वो सबसे बेस्ट जुगाड़ पता हो, व्हाइट कलर की सनमाई कला के वो चढ़वा दी जवाब है। वही तो मैं कह रहा हूँ, बेस्ट सबसे सिंपल जुगाड़ वो भाई। ये क्या बोल रहे, टीवी पैनल तो पूछ का है कितने कितने के? टीवी पैनल 45,000, 50,000, 52,000। बता यार इतना खरीदे जा रहा हूँ। जो फार्म पे हमारे वो 52,000 को है भाई, 1,200 रुपये स्क्वेयर फुट भाई, मार दो आदमी है इतनों में, कुछ भी ना रहता भाई। सबसे बढ़िया जुगाड़ बता रहा हूँ, यहाँ के ऊपर LED लगवा ले, और यहाँ के नीचे वाय लगवा लेंगे, व्हाइट सनमाई का लगा के। हाँ अभी खाती के बुला के लाएंगे, और खाती के को नाप वाप दे दियो, जैसा तेरे को कस्टमाइज बनवाना ऐसा बना देगा एक दिन के अंदर अंदर भाई। कुछ भी तो ना रहा, मैं एक बोर्ड लिया, पीछे बोर्ड लगा देगो, आगे पीछे नीचे बोर्ड लगा देगो, ऊपर सनमाई का चिपका देगा, बन गो तेरा पैनल। कारपेंटर हमारे यहाँ भाई, कारपेंटर को खाती बोलते हैं, रियली सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो, पर हमारे यहाँ पे ऐसे, हम जब छोटे से थे, इतने से थे, तो सबसे ऐसे ही बोलते हैं भाई, कारपेंटर है नहीं खाती, ऐसे एक यूज किया जाता है। चलिए अब इसको टंगवाते हैं, देखने में अच्छी है, रियलिटी में अच्छी है। यहाँ पे हमारा प्रो भाई निकाल रहा है स्कॉर्पियो के बीच में से, ये ना निकलेगी भाई, ना निकलेगी। किसने खड़ी करी है गाड़ी ऐसे इस तरीके से, ना निकले गाड़ी, ले चल किया बाहर। तो एक्चुअली अब जा रहे कारपेंटर के पास, जरा पूछ क्या, देख मार दिया, दिखे स्क्रैच, कर दियो काम। अरे ना ना कर दियो काम, ले 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 ना आट रहो ना, अच्छा कलाकार है भाई यू भी। तो हम पीछे से धक्का से ले ली लड़ा। हम यहाँ पे आ चुके सेल्टोस लेके, वो तो निकली नहीं। हाँ इतनी काफी अच्छी लगेगी, मतलब वो ऐसा, मतलब वो तो साइज ले लेंगे टीवी के, एकदम इकसार हो ना, जब ज्यादा फील आती है भाई, पूरी इकसार ना, थोड़ी तो निकली हुई होनी चाहिए। चलो भाई बात करते हैं, देखिए कैसा डिजाइन की कह रहा है तू, मतलब अभी तो मैंने ऐसे जस्ट ये वो दिखाया है। हाँ अच्छा लगेगा ये सिंपल सोफर भाई, बढ़िया लगेगा, वाइट अपना, वाइट सनमाई का लग के ना सबसे अच्छी लगती है ये।
नहीं नहीं ये तो बेकार छपरी, ये गाना ही सिंपल हो जाए। हाँ नहीं नहीं जो तू अरे ओहो देखा नहीं वो तो ये वाला सबसे कूल लग रहा है ना सिंपल सा। बट ना ये वाली जो ब्राउन शेड है ये शायद मिलेगी नहीं, ब्राउन में ऐसी लग जाएगी। नहीं ये तो टीवी पैनल होगा पूरा, बहुत डिजाइन कैसे जैसे कहोगे वैसे। अच्छा ये अगर पूरा बनवा में तो पूरा कितने को बने? पूरा तो फुट के हिसाब से बने भाई। कितने कितने रुपए फुट है? 800 रुपए से 800। तूने दिल पे चलाई छुरियां, डिजाइन दिखाओ किस कैसे हैं। 800 मारा है को का ओ कितने बनेगा पता? 5-5, 10-10 फुट। गरीब आदमी क्यों मार रहा है? 800 पाई 25-30 का बनेगा ना फिर वो, फिर भी बहुत महंगा चला जाता है इतना को। ब्रो भाई सेंस ना फार्म पे धरो यार, 52,000 रुपया को कोई कुछ वो कुछ है वो तो अलग चीज ही। यहाँ तो ये तो अपने हिसाब से बनाएंगे ना। चलो कोई बात नहीं भाई, देख लेते हैं भाई आकाश की मुराद पूरी कर देते हैं आकाश का। और ये चीज वन टाइम होती है भाई, बस एक बार लग के खत्म, सालों साल खत्म। इसके बालक बच्चे भी हो जाएंगे तब तक चलता रहेगा वो टीवी पैनल इसका। तू नेट पे देख के डिजाइन बता दे, वे बता देंगे फिर क्या हिसाब लगेगा। जी वहाँ पे आकाश जरा रेट सेट करने लग रहा है, मैं इन चीजों में भाई थोड़ा पीछे रहता हूँ। भाई तुमने कर ले, वो 5 बोल रहा है आकाश, 4 बोल रहा है, मैं गोलगप्पे खा लेता हूँ तब तक, एंजॉय। तो यहाँ पे डील इज डन और यहाँ पे नाप वाप दे दिया गया है भाई, और आकाश का अब काफी अच्छा बन जाएगा अब रूम भी। भाई अब हमारा तालिब द इलेक्ट्रीशियन आ चुका है, ये आप देख सकते हो अब नाप नूप ले रहा है। वेल डन ब्रो, वेल डन। सही है, बड़ी एलईडी है तो दीवार पे भी अच्छी लगेगी। 32 इंच होती तो 19 लगती है ना। लाइक करें भाई, ये तो अजीब सा है यार व्यू का सिस्टम, समझ से ही बाहर है। कैसे टकेगी, अजीब सा वॉल माउंट है यार। UMI को सबसे सिंपल रहे, सबसे सिंपल। LG को भी टफ हो और सैमसंग, एक तो रहे कंपनी को बंदा आवे वह पता हो रहे। व्यू बेचारो कौन सी कंपनी को लाला, कई कंपनी को ना है ये सब कहने लगा दे। अब यू खुद ही तो हटा पामने ले भाई, हम तो पाम हटा लेंगे, लगवा ले तू दे। अगर यार कॉन्फिडेंस वो रखियो, कभी यार लगाते गिर जाए नीचे कहीं, ठीक है पकड़ कर रखियो 10 मिनट तक, धीरे धीरे छोड़िए। ताले को कोई भरोसा ना है, ढंग से लगा दियो कभी नीचे, पट जैसी है जाए काम। बाकी भाई टीवी भी टक जा टकता रहेगा, मैं थोड़ा रोटी वोटी खा लेता हूँ। आज पल्ले घर नोत रखे थे भाभी यार हमारी, तो जैसे नई नई बहू आते हो तो नोतते ना घर घर के, आज मम्मी ने नोत रखे थे तो मैं खा लेता हूँ। थोड़ा सा अच्छा बना रखा है सब्जी, भाई अब ये टीवी अपना इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसका एक्सपीरियंस। देखो इस तरीके का इसका रिमोट है भाई, और ये वाला बटन ऐसे लगता है कि कोई बटन ना हो, लेकिन ये पावर का बटन है। देखो VU एंड्रॉइड टीवी कैलिफोर्निया लिख के आता है, और रिमोट पे भाई मतलब बटन्स की क्वालिटी बहुत चीप है, मतलब बहुत ही ज्यादा। इसकी पिक्चर क्वालिटी तो बहुत जेन्युइन है, पर बटन्स मुझे नहीं लगता ये 1 साल पकड़ेगा ये रिमोट। अभी से जो वॉल्यूम का ये बटन है ना बहुत चीप सा फील होता है यार, बहुत ज्यादा। और मतलब इन हैंड फील रिमोट की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सबसे बढ़िया बेस्ट रिमोट LG का भी बहुत बकवास रिमोट है भाई, ला के दिखा देता हूँ। एक मिनट देना बस, एक मिनट बने रहो। दे रही है ये देखिए, ये सारे आप ये मतलब वही सेम जैसे आपको MI में मिल जाता है, जैसे हमारे सैमसंग की LG के सब में यही सेम आपको इंटरफेस मिल जाता है देखने के लिए। 4 रिमोट है ये देख, ओ देख VU का देख है, व्यू का बहुत नकली है, LG का इससे भी ज्यादा नकली है। LG का तो बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत नकली है, बहुत घटिया रिमोट भाई। LG को सबसे बेकार है, और ये फिर आगे मेरे रेडमी वाले का तो अच्छा लगता है। यू तो बहुत मतलब बहुत सिंपल सोबर बहुत बढ़िया है, और जो सबसे बढ़िया लगता है मेरे को वो भाई ये सैमसंग को, ये सबसे प्रीमियम देखिए होम। और भाई ये जो फील है ना, मतलब ये जो इसकी फील है ना सैमसंग वाले की, वो अनमैचेबल है भाई। फिर अभी व्यू वाले की बात करते हैं भाई, तो ये अपना आराम से इस तरीके की होम स्क्रीन है। अभी तक जो मैंने ये चलाया है, जितना चलाया है उसमें भाई ये हैंग नहीं होता, सबसे मेन बात ये है, वरना रेडमी हैंग होने लग जाता है। अभी सारे टाइम के साथ साथ जैसे मेरे वो शैशे कुकीज वगैरह बढ़ते चले जाते हैं ना, तब ये हैंग होने लगता है। और भाई इसकी पिक्चर क्वालिटी जेन्युइनली बहुत प्यारी है, तो बहुत अच्छी है, LG वाले से हमारी बढ़िया है। पिक्चर क्वालिटी तो बहुत जेन्युइन है इसकी, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद इट्स पिक्चर क्वालिटी। चला दू क्या, देख रहे हो सही है भाई, बढ़िया है।
लाइक करे भाई, आप जरूर से खरीद सकते हैं, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है व्यू का 43 इंच का स्मार्ट टीवी, बैजर्स भी काफी कम है और डोल भी ऑडियो के साथ आता है मेन, देखिए इसलिए आपको काफी अच्छी साउंड क्वालिटी भी इसके अंदर देखने को मिल जाती है। अभी आ गया था भाई थोड़ा शाम के टाइम में, मतलब टीवी भी तो आपने देख लिया, थोड़ा फार्म पे आ गया था ये भाई हमसे मिलने आए। तो कैसे सुनाओ भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया, मजा आ रहा है जिंदगी में? मजा आ रहा है भाई। भाई आए हैं भाई, पता है गुड़गांव वहाँ से साइकिल पे चलते हुए भाई, मैं मुझे पता था वो जो भाई एक बार पैदल चल गया उनके बाद ऐसे डेंजरस एक्ट्स होने वाले हैं भाई, ये सब नहीं यार, बस से आ जाते, बाइक से आ जाते, हम भेज देते आप कहते तो भाई स्प्लेंडर भेज देते आपको लेने के लिए। भाई यहीं रखा है गुड़गांव है, कितना 25-30 किलोमीटर पड़ गया होगा ना, बताओ यार इतनी मेहनत करते हो यार भाई। चलो ठीक है भाई से मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे भाई से आराम से, अभी बैठाते भाई को पिलाते पिलाते। चलो भाइयों ऐसे कोई भी मत आया करो प्लीज़, हाथ जोड़ी की रिक्वेस्ट है भाई, ऐसे कष्ट मत दिया करो, हम तो ऐसे ही मिल लेते हैं भाई यार यहीं फार्म पे, ठीक है ऐसे अच्छा सा नहीं लगता हमें खुद भी यार कितनी दूर, अब क्योंकि इनको जाना भी अब साइकिल से ही है तो ये वाली थोड़ी सी दिक्कत रहती है। चलो भाइयों वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।